हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक के प्राइस हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें 1400 के अप्रोक्सिमेट हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। और स्टॉक के प्राइस जब 850 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था दोस्तों, उस समय हम लगातार आप लोग को वीडियो बनाकर बोला था कि इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रखिए, इसमें शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों में ज़बरदस्त तरीके से हमें मुनाफा मिल सकता है। और स्टॉक की प्राइस आप लोग देख सकते हो 1400 रुपये के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और स्टॉक की प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1700 से लेके 1800 रुपये तक हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों, हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, हम आप लोग से बात कर रहे हैं ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग इसमें हमें थोड़ा सा रिटर्न ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें पिछले 1 मंथ का, तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले 1 मंथ में हमें लगभग 12% से अबव का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करें पिछले 6 मंथ का, तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले 6 मंथ में लगभग हमें 100% का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। जैकपॉट की तरह इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। वहीं बात करें पिछले 1 साल की, तो आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में हमें इस स्टॉक में लगभग 150% का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। वहीं बात करें पिछले 5 ईयर का, तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में इस स्टॉक में लगभग 160% से अबव का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। वहीं बात करें इसका सबसे अधिक दिनों का चार्ट पैटर्न का, तो आप लोग देख सकते हो कि हमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 2800% से अधिक हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शेर खान साहब ने लगभग 1680 रुपया के यहाँ पे हमें लक्ष्य देखने को मिला है, उन्होंने दिया है दोस्तों, जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का, देन इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें इस स्टॉक में लगभग 30% से अबव का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 36% के आसपास में हमें डिलीवरी देखने को मिला है, जो कि काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इसका फेस वैल्यू का 2 रुपये हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बात करें इस स्टॉक का 52 लो एंड हाई का, तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक ओनली 400 का अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था लास्ट ईयर, और वहाँ से स्टॉक हाल ही के दिनों में जो कि 1400 रुपये का हाई बनाया है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों। वहीं बात करेंगे इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट का, तो आप लोग देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में हमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन बात करें इस स्टॉक का प्रमोटर का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें लगभग 42% के अप्रोक्स में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का। वहीं बात करें क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कोई प्रमोटर का हमें शेयर प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी शानदार है दोस्तों, हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के प्राइस में लगभग 1700 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, इसमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें शॉर्ट टर्म में मुनाफा मिला है, और फ्यूचर में भी पूरा मिल सकता है मुनाफा दोस्तों। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमें इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग यहाँ पे 91,000 प्लस में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों करोड़ों में है। वहीं बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पर भी हमें 2 रुपये देखने को मिल रहे हैं, जो कि बात करें सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पर 55 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस स्टॉक का पी रेशियो सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी नीचे हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वहीं बात करेंगे कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स दिखाया कंपनी ने, वो भी डेटा एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार तरीके से हमें सेल्स देखने को मिले, लगभग 18,500 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है।
दोस्तों। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और दिक्कत है कि यहाँ पे हमें दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे हमें सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट ही देखने को मिला, जो कि सितंबर क्वार्टर में लगभग 18,500 का हमें सेल्स देखने को मिला था, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों करोड़ में। वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हमें सितंबर क्वार्टर में काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिला था। जो कि बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन सरप्लस का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिजर्वेशन सरप्लस काफी शानदार तरीके से हमें एवरी ईयर काफी जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिलता है। लेकिन बात करें 2018 में तो हमें लगभग 57,000 करोड़ से अबव का हमें रिजर्वेशन सरप्लस देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा सा हमें इसमें हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिला फिगर। उसके बाद से फिर हमें लास्ट ईयर हमें इंक्रीमेंट के साथ हमें देखने को मिला था दोस्तों। वहीं बात करें यहाँ पे डेप्ट का, तो यहाँ पे अदर लाइबिलिटी हमें लगभग 1,41,000 करोड़ का हमें देखने को मिला। जो कि यहाँ पे बात करें करेंट लाइबिलिटी का, तो हमें 46,600 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें फिक्स एसेट का, तो आप लोग देख सकते हो कि फिक्स एसेट भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे ईयर बाय ईयर जबर हमें काफ़ी शानदार इम्प्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करें कि इस स्टॉक में एफआई की यहाँ पे एफआई की होल्डिंग कितना है, डीआई की होल्डिंग कितना है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे लगभग 42% के अप्रोच में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें यहाँ पे एफआई की होल्डिंग की, तो लगभग 13% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। वहीं बात करेंगे डीआई की होल्डिंग की, तो लगभग हमें 19% के आसपास में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग का, तो लगभग हमें यहाँ पे 27% के अराउंड में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न में काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक काफ़ी शानदार है और स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा मिल सकता है। वहीं बात करें कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है दोस्तों, तो हमें जो डेटा देखने को मिल रहा है लगभग 1,186 रुपये के आसपास के हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक के प्राइस में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो इस प्राइस तक आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग स्टॉक के प्राइस हमें 1700 के तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा देने का पूरा दमखम रखता है स्टॉक। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।